नवरात्रि का यहाँ बहुत महत्व है, यहाँ बहुत बलि है, समझे ना। नवरात्रि में सबसे पहले तो पाठ होता है, तीन बरती द्वारा पाठ किया जाता है, और उसके बाद बलि का यहाँ प्रथा है। तो बलि में नवरात्रि में कुष्मांड का बलि भी दिया जाता है, पशु का बलि होता है, नर बलि भी होता है, सभी चीज का बलि दिया जाता है। इसलिए इस नवरात्र में तांत्रिक पूजा के नाम से प्रसिद्ध। क्या कारण है कि महिलाओं को वर्जित किया जाता है? इसीलिए कि तंत्रयान में वर्जित कर दिया गया है। तंत्रयान जो है, तंत्रयान में महिलाओं को वर्जित कर दिया गया है, पूजा पाठ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित। क्या नाम? पुरेंद्र उपाध्याय। यह मंदिर जो है ईसा 300 वर्ष पूर्व का है। जसोवर्मपुर नाम के एक राजा थे, वही स्टार्ट किए और वही इस मंदिर को निर्माण करवाए। उसके बाद महिलाओं के इसलिए वर्जित है कि यहाँ तांत्रिक पूजा है, तो तांत्रिक पूजा में महिलाओं का वर्जित है। किसी साल से ये परंपरा? ईसा 300 वर्ष पूर्व से। जी, प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से होता है। और जिस मनोकामना लेकर जो व्यक्ति आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत तीन देखें तैसे। नवरात्रि में जी, नवरात्रि में ही स्त्रियों के लिए वर्जित है। ऐसे तो सब दिन पूजा होता है, खास करके मंगल को यहाँ अधिक भीड़।